कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली से हुए हादसे के बाद यातायात निदेशालय ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि मालवाहक वाहनों का इस्तेमाल सवारियों के लिए नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने नियम तोड़ा तो 10,000 का जुर्माना भरना होगा। इसको लेकर पूरे प्रदेश के साथ साथ मुरादाबाद में भी चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। मुरादाबाद में SSP के निर्देश पर सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में तमाम साधनों जैसे PRV वाहन, मुनादी, लाउडस्पीकर इत्यादि से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसमें लोगों से ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य मालवाहक साधनों में बैठकर सफर न करने समेत जलसे, जुलूस, मेले, दशहरे आदि में ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवारियों को बैठा कर न ले जाने की अपील की जा रही है। वहीं इसके बावजूद अगर कोई ट्रैक्टर चालक नियमों का उल्लंघन करता पाया गया और भीड़ ट्रैक्टर ट्रॉली से यात्रा करती पाई गई तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी जा रही है। SSP हेमंत कुटियाल ने बताया कि माल वाहनों में सवारियों को यात्रा कराने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इसको लेकर आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। जैसे कि विदित है कि शासन द्वारा आदेशित किया गया है कि किसी भी व्हीकल में जिसमें सवारी अलाउड नहीं है, जैसे कि ट्रक है और ट्रैक्टर है और किसी भी अन्य प्रकार के जिसमें पैसेंजर्स के अलाउड नहीं, उस पर हम लोग विशेषकर अभियान चला रहे हैं। स्पेशली गांव देहात में हम अनाउंसमेंट करवा रहे हैं, चाहे वो PRV व्हीकल्स हो, पब्लिक सिस्टम्स के अनाउंसमेंट के माध्यम से जो मंदिर वगैरह हैं, जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहाँ से भी एक अनाउंसमेंट हम प्रयास करेंगे कि लोग इन गाड़ियों का प्रयोग, वाहन ना करें। त्योहारों का समय है, लोग भारी संख्या में जाना चाहते हैं और उन सब से भी रिक्वेस्ट है पब्लिक कि इन सब चीज़ों का नहीं यूज़ करें, जो कि मोस्टली एक्सीडेंट्स का कारण बनते हैं। अभी भी कुछ टाइम में बड़े मेले आने वाले हैं जिसमें भी आप लोग भारी संख्या में ट्रैवल करेंगे, तो आप सब लोग से एक प्रशासन पुलिस द्वारा रिक्वेस्ट है कि आप इन गाड़ियों का प्रयोग कदापि ना करें, ये सेफ़ नहीं है। जो सेफ़ गाड़ियां हैं, जो पैसेंजर्स के लिए मान्य, उन्हीं गाड़ियों का प्रयोग करें।